आप सभी लोगों का मेरे में फ्री और यूट्यूब चैनल में अगेन हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको रिव्यू बताने वाला ईको जेड थ्री का, जो रियलमी का फ़ोन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। यहाँ पर कलर ऑप्शन आपको मिल जाएगा, 6 कलर मोड ऑप्शन मिलेगा, यानी कि यहाँ पर आपको 6 से अधिक कलर दिखने को मिल जाएगा, डिफरेंट, जो बहुत ही अच्छा है। आपको अलग अलग कलर में आप चूज़ कर सकते हो फ़ोन। चलिए आगे कैमरा की बात करते हैं। तो कैमरा परफॉर्मेंस होने वाला है 64 मेगापिक्सल मेन कैमरा, 8 मेगापिक्सल वाइड एंगल और 2 मेगापिक्सल माइक्रो सेंसर का आपको सपोर्ट मिल जाएगा। और यहाँ पर 30 fps का, यानी कि 1080p का रिकॉर्डेड क्वालिटी होने वाला है। तो चलिए सेल्फी कैमरा के बारे में बात कर लेते हैं। तो 60 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा और 30 fps के साथ, यानी कि 1080p में ये भी रिकॉर्डेड आपको होगा। और चलिए वीडियो प्ले के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर 4K वीडियो रिवोल्यूशन होने वाला है, यानी कि यहाँ पर आपको 4000 वीडियो प्ले की क्वालिटी अपलोड होगा इस फ़ोन के अंदर लोडेड है। तो आप इतना तक के डाउनलोड कर सकते हो। 5G की कनेक्टिविटी के साथ मिलेगा यह फ़ोन। और बॉडी वेट के बारे में बात कर लो तो 170 ग्राम का इसका बॉडी वेट है, जो बहुत ही अच्छा स्लिम पीस है और लाइट फील होगा अगर आप इसको यूज़ करते हो तो। चलिए आगे बात करता हूँ इसके डिस्प्ले के बारे में। तो डिस्प्ले परफॉर्मेंस होने वाला है 6.58 इंचेस का सुपर IPS LCD डिस्प्ले और 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट होगा, जो डिस्प्ले के अंदर बहुत ही अच्छी है, जो आपको ब्राइटनेस बहुत ही अच्छा मिलने वाला है, चाहे आप धूप में जाओ कहीं भी जाओ। स्नैपड्रैगन की अगर बात कर लूँ तो 768G का कैलकम स्नैपड्रैगन होने वाला है, जो हर एक गेम यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छा तरह से प्ले होगा। तो चाहे फ्री फायर हो, चाहे पबजी हो, चाहे कोई भी डिफरेंट गेम हो, हर गेम यहाँ पर आप खेल सकते हो। तो बहुत ही अच्छा गेमिंग फीचर इस फ़ोन के अंदर आपको मिल जाएगा। तो बहुत ही खूब है ईको जेड थ्री फ़ोन। तो चलिए आगे बात कर लेते हैं। एंड्रॉयड 11 में ये लॉन्च होगा, जो बहुत ही अच्छा चिपसेट इसके अंदर दिया गया 11 एंड्रॉयड। और यहाँ पर एडेप्टर 55 वाट का मिलेगा, जो बहुत ही खूब है, जो बहुत ही जल्द आपका चार्ज हो जाएगा फ़ोन। और यहाँ पर अगर बैटरी की बात कर लो तो 4400 mAh की बैटरी है, जो बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस होने वाली बैटरी भी आपको यहाँ पर ज़्यादा बैकअप देगा और जल्द ही चार्ज हो जाएगा। तो दोनों की क्वालिटी बहुत ही अच्छी टाइप सी के साथ आपको ये मिलता है। और यहाँ पर फिंगरप्रिंट सेंसर इन डिस्प्ले होने वाला है, यानी कि आपके डिस्प्ले के ऊपर ही फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाएगा। तो चलिए यहाँ पर एक्सपेक्ट प्राइस इंडिया के अंदर किया गया है 6GB रैम और 128GB रोम का 18900 में, और 8GB रैम और 256GB रोम का 22100 रुपीस में आपको ये फ़ोन मिल जाएगा। एक्सपेक्ट लॉन्च डेट किया है इंडिया में मई 2021। तो 2021 के महीने में आपको ये फ़ोन मिल जाएगा। आप सभी लोगों को रिव्यू अच्छा लगा ईको जेड थ्री का तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन और प्रेस कर दे, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें कि हम ऐसे ही इन्फॉर्मेशन वाले वीडियो आप सभी लोगों के लिए लाते रहें। तो मिलेंगे ऐसे धमाकेदार वीडियो के साथ। धन्यवाद।